यूएसए तंग कुछ देश बना सकते हैं अलग सैन्य संगठन, दिखाइए जरा। काउंसिल के डेप्टी चेयरमैन मेदवेदेव की वार्निंग विद द विजुअल्स, रूस यूक्रेन जंग से बन सकता है एंटी यूएस मिलिट्री अलायंस, लंबे वक्त तक जारी संघर्ष नए मिलिट्री ब्लॉक को जन्म देगा, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। सीधे बिग वॉल पर आइए, यूएस विरोधी मिलिट्री ब्लॉक, मेदवेदेव की अल्टीमेट भविष्यवाणी क्या है ये देखिए। रूस यूक्रेन जंग से एंटी यूएस मिलिट्री अलायंस बन सकता है, नंबर वन मेदवेदेव ने यह कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, लंबे वक्त तक जारी संघर्ष नए मिलिट्री ब्लॉक को जन्म दे सकता है, ये कहा गया है। यूएस से तंग कुछ देश अपना अलग सैन्य संगठन बना सकते हैं, यह कहा गया है। फिर दिखाइए, रामस्टीन में 54 देशों की बैठक में लिए गए फैसले खतरनाक हैं, ये इन्होंने कहा है। अमेरिका अंत में यूरोप को छोड़ देगा। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन खाली हाथ होगा, ये कहा है। आखिरकार विश्व संतुलन कायम होगा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ये वार्निंग दे दी है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई मॉस्को तेहरान की दोस्ती, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। ईरान दौरे पर रूसी लोअर हाउस का प्रतिनिधिमंडल, एनर्जी ट्रांसपोर्ट और कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर करेंगे बात, एजेंडे में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने पर होगी बात। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स लीजिए, एक बार दिखाइए और उसके बाद मैं एक और बड़ी खबर दिखाने वाला हूं, उसके बाद मैं सीधे आऊंगा अशोक सर के पास। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, हैरान करने वाली खबर है ये। मेदवेदेव की वार्निंग, ईरान पहुंचा रशिया का डेलीगेशन। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्रांस और जर्मनी के बीच सुधरते दिख रहे संबंध, बड़ी खबर विद द विजुअल्स। जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट पर सहमति के बाद रिश्ते सामान्य, पोलैंड में दोनों देशों की बैठक के बाद संबंध सुधरे, विजुअल्स के साथ। नेचुरल गैस की सप्लाई समेत कई मुद्दों पर थे मतभेद, सीधे आइए। वैसे दोनों देशों में खुद के में गैस में कमी हो गई थी, सवाल है मैक्रों क्यों पहुंचे पोलैंड, सीधे आइए जवाब। रूस यूक्रेन वॉर और आपसी मतभेद के मुद्दों पर चर्चा के लिए सवाल है, यहां पर देखिए, फ्रांस और जर्मनी के बीच संबंध क्यों खराब हुए, जवाब। नेचुरल गैस की सप्लाई में कटौती समेत कुछ मुद्दों पर रूस को जवाब देने पर मतभेद। नेक्स्ट सवाल दिखाइए, क्या फ्रांस और जर्मनी के बीच संबंध अब अच्छे हो गए हैं, जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट पर सहमति के बाद रिश्ते नॉर्मल होते दिखे, ये जवाब और सवाल आपके सामने हैं। इस सब के बीच में ये तीनों, बल्कि ये जो खबर है इसके साथ मेदवेदेव वाली नीचे खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अशोक सर। अशोक सर, क्या फ्रांस और जर्मनी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये उस ब्लॉक से अलग होते जा रहे हैं जो वॉर जिंगोइज्म पर आमादा है और वो है अमेरिका, क्या मेदवेदेव वाकई में जो कह रहे हैं पुतिन उस पर काम कर रहे हैं, एक जॉइंट अलायंस अगेंस्ट अमेरिका बनता दिख रहा है? योर टेक सर ऑन बोथ द थिंग्स। देखिए, बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग ये वाले मुद्दे उठाए हैं। जहां तक एक एंटी यूएस मिलिट्री अलायंस बनने की अभी तक बात है, और इसमें मेदवेदेव का ये कहना है जो वेस्टर्न यूरोप के देश, मतलब ट्रांस अटलांटिक अलायंस खत्म हो जाएगा, वेस्टर्न यूरोपियन देश तंग आ चुके हैं और वो अमेरिका से अलग हो जाएंगे। मेरे विचार से इस समय ये बिल्कुल विशफुल थिंकिंग के अलावा और कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जो मिलिट्री अलायंस है निशांत, उसमें सारा पैसा तो अमेरिका ने डाला हुआ है। अमेरिका कहता रहा है जो आप अपना 2% ऑफ GDP डिफेंस में डालिए, कोई भी डालने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए नो मिलिट्री अलायंस कैन सर्वाइव विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरी बात है, आपने फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपने जो कहा, जो उनके संबंध सुधर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज वेरी गुड फॉर यूरोपियन यूनिटी एंड ऑल्सो फॉर ट्रांस अटलांटिक अलायंस। क्योंकि हमेशा जो जब भी यूरोप ने कोई भी इनिशिएटिव लिए हैं, कोई भी फार रीचिंग डिसीशंस लिए हैं, चाहे यूरो हो, चाहे मास्टरिस्ट ट्रीटी हो, चाहे शेंगेन हो, ये फ्रांस और जर्मनी जब साथ आए हैं तभी यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट को मोमेंटम मिला है। Understood. तो इसीलिए यूरोप को अगर साथ में रहना है तो फ्रांस और जर्मनी को आगे आना होगा, और ये जब आगे आते हैं उनकी अपनी क्षमता बढ़ेगी और वो एज एन इक्वल अमेरिका के साथ बातचीत कर पाएंगे।
पॉइंट है। तीसरा प्रश्न मुझसे नहीं पूछा, वो ईरान और रूस के बारे में जो आप कह रहे थे, तो देखिए ये मैं समझता हूं जो ये मित्रता तो गहरी और होती जाएगी, क्योंकि हमने देखा है जो ईरान ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है रूस को, जो कि यूक्रेन के विरुद्ध इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं जो ईरान, हालांकि जो बाइडेन ने कहा था जो वो इरानियन न्यूक्लियर डील फिर से उस पर लाएंगे, फिर से कायम करेंगे, परंतु 2 साल हो चुके हैं अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया है। तो इसलिए मेरे विचार से ये जो संबंध है रूस और ईरान के वो संबंध और गहरे होते जाएंगे। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।